जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। साथियों, मैं राजेंद्र अजमेर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो वीडियो है, राजस्थान की जो संग्रहालय अध्यक्ष की वैकेंसी और खोज उत्खनन अधिकारी की जो वैकेंसी आई है उसकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में बहुत डाउट है, उसके बारे में जो क्लियर है यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ। हो सकता है मेरे से भी पूरा क्लियर नहीं हो, लेकिन जितना मेरे को पता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो राजस्थान की जो RPSC है उसने दोस्तों अच्छी वैकेंसी है। एक तो ग्रेड पे एक का देखो 5400 है और दूसरे का है आपके 4800 ग्रेड पे। तो ग्रेड पे अच्छे हैं दोनों के, पोस्ट कम है, लेकिन ग्रेड पे को देखकर आप फॉर्म भर सकते हैं। और अभी वन टाइम रजिस्ट्रेशन चल रहा है, यानी एक बार किसी भी भर्ती के आपको पैसे लग गए तो बाकी पैसे नहीं लगेंगे। केवल और केवल आपका फॉर्म भरने का जो चार्ज है वो ई मित्र वाला ले सकता है, बाकी आप खुद भरते हैं तो नहीं लगता है कुछ भी। तो आप फॉर्म लगा सकते हैं, फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है, ये CET के थ्रू कोई भी नहीं है और डायरेक्ट RPSC एग्जाम ले रही है। तो टोटल वैकेंसी दोस्तों, हो सकता है ये जो PDF है दोस्तों RPSC से डाउनलोड की गई साइट से है, क्योंकि टाइम नहीं मिला था तो इसको वापस दोस्तों टाइपिंग करवाकर यहां पर सामने लाना दोस्तों मुश्किल काम था। तो मैंने सोचा कि जो थोड़ा साफ नहीं दिखे तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना, ये कहना चाह रहा था मैं। ठीक है, फर्स्ट है दोस्तों आपका खोज और उत्खनन अधिकारी की जो वैकेंसी है उसमें आपका एक पोस्ट है, वो भी है जनरल की एक पोस्ट आई है। ठीक है, उसमें इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है बात करेंगे। उसके अलावा दोस्तों आपके संग्रहालय अध्यक्ष क्यूरेटर, क्या दोस्तों क्यूरेटर की वैकेंसी है, उसमें जनरल की जो टोटल पोस्ट है कितनी है, 9 है। जनरल की 3 पोस्ट है उसमें, उसके अलावा दोस्तों SC की 1 है, आपके ST की 1 पोस्ट है, OBC की 3 पोस्ट यहाँ पर दे रखी है, MBC की कोई भी पोस्ट यहाँ पर नहीं है और EWS की 1 पोस्ट दे रखी है। और दोस्तों आपके एक पद है जो आरक्षित बैकलॉग है, किसका, अनुसूचित जनजाति यानी ST का जो एक जो पद है पिछली भर्ती 2011-12 का जो खाली रह गया था उसकी वजह से ये एक बैकलॉग का पद इसमें से ही दिया जाएगा। तो ये इसमें से जो जनरल से दिया जाएगा। ठीक है, तो अब शैक्षणिक योग्यता की हम बात करें तो आयु सीमा आपको पता है कि जो 40 वर्ष होना चाहिए, 40 वर्ष के अलावा जो छूट है आपको वो मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा जो आयु सीमा के अंदर एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर फायदे वाली बात यह है कि जो राजस्थान सरकार ने कि आपकी आयु 31/12/2020 को अगर इसके अंदर आ रहे हो तो वो 31/12 को ना मानकर आप 31/12/2024 तक आपको माना जाएगा। यानी कि मतलब आयु से संबंधित राजस्थान की जो भर्तियों में आयु की जो दोस्तों छूट दी है उसमें 4 वर्ष की जो छूट दे दी है यहाँ पर, क्योंकि जो 2 वर्ष पहले दी थी उनको बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया है, वैकेंसी नहीं आई थी इस वजह से। तो दोस्तों इसमें है 31/12/2020 को अगर आपकी आयु 30 वर्ष हो रही है, ठीक है, तो दोस्तों 2020 की बात बता रहा हूँ, तो उसको उठाकर 31/12/2024 तक आपकी 30 ही मानी जाएगी, एक तरह से ये स्पष्ट है। उसके अलावा दोस्तों आपका जो शैक्षणिक योग्यता की बात यहाँ पर करें, हो सकता है आपको साफ नहीं दिख रहा हो लेकिन जो मैं कह रहा हूँ आप वो समझ सकते हैं कि जो आपके शैक्षणिक योग्यता है, सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन हिस्ट्री विथ पेपर इन एशियन हिस्ट्री, यानी एशियन हिस्ट्री का आपके पास पेपर होना चाहिए, एंड एक्सपीरियंस फील्ड यानी आपको एक्सपीरियंस इन फील्ड आर्कियोलॉजी फॉर आपके नेट क्लास 1 सेशन, यानी कि एक सेशन में आपके पास में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का कम से कम 2 महीने का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। ठीक है, तो ये दोस्तों एक्सपीरियंस की बात केवल और केवल किसमें है, खोज और उत्खनन अधिकारी की जो एक पोस्ट है उसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। और एक्सपीरियंस का जो फॉर्म है मैं आपको पीछे जो PDF है उसके लास्ट में दे रखा है, मैं वो बता दूंगा। ये तो हो गई दोस्तों खोज और उत्खनन अधिकारी की बात, यानी कि MS सेकंड आपके सेकंड ग्रेड से उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी कि आप सेकंड डिवीजन से MA चाहिए। और दोस्तों इसके अलावा आपके पास में 2 महीने का आर्कियोलॉजी जो कहीं भी फील्ड है वहां पर कार्य करने का अनुभव आपको एक सेशन में कम से कम मांगा है। फिर दोस्तों आपके संग्रहालय अध्यक्ष की जो पद है वो दोस्तों सेकंड डिवीजन विथ एटलीस्ट 50%, यानी कम से कम 55% यहाँ पर मांगा गया है किसके लिए, संग्रहालय अध्यक्ष यानी क्यूरेटर के लिए, विद मार्क्स मास्टर डिग्री इन एशियन यानी एशियन यानी जो आपके एशियन हिस्ट्री और आपके मिडिवल हिस्ट्री ये होनी चाहिए उसमें, यानी मास्टर डिग्री में आपके जो प्राचीन और मध्यकालीन भारत का इतिहास का सब्जेक्ट यहाँ पर मांगा गया। और लगाकर क्या कहा गया है, MA आपके पास म्यूजियोलॉजी विद 1 सब्जेक्ट हिस्ट्री
इन ग्रेजुएशन लिव और इट्स इक्विवेलेंट, यानी आपके पास में एमए म्यूजियोलॉजी से कर रखी आपने और आपके पास में एक सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तो आप उसमें फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो ये थी बात दोस्तों, या फिर आपके पास में होना चाहिए क्या एशियंट और मिडाइवल हिस्ट्री में एमए की हुई हो और आपके 55% से ऊपर है तो आप भर सकते हो इसमें दोस्तों। और इट्स इक्विवेलेंट भी यहां पर दे रखा है, इसके अलावा भी जो कोई योग्यता है आपके पास में उसमें दोस्तों आप भर सकते हो। तो एमए म्यूजियोलॉजी के अंदर है तो बीए के अंदर भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए था, लेकिन दोस्तों यहां पर जो एमए 55% है और एशियंट और मिडाइवल हिस्ट्री है आपके पास में, तो कोई भी सब्जेक्ट हो इसमें ग्रेजुएशन में वो कंपल्सरी यानी अनिवार्य नहीं किया गया है। तो ये हो गई शैक्षणिक योग्यता की बात कि जो दोस्तों आपके पास में जो एक पोस्ट के लिए तो दो महीने का जो यहां पर मांगा गया है कि जो आप कोई भी आर्कियोलॉजी या कोई भी संग्रहालय अध्यक्ष का आपके पास में वो भी बता दूंगा परफॉर्मा क्या है। और ये जो पीडीएफ है दोस्तों मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा कि इसकी जो शैक्षणिक योग्यता क्या है, टेलीग्राम ग्रुप है अपना स्टडी पॉइंट टुडे चैनल के नाम से है, स्टडी पॉइंट टुडे ओनली, ठीक है। फिर शैक्षणिक योग्यता से जो दोस्तों आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो कब तक चाहिए, वो चाहिए दोस्तों आपकी स्पष्ट दे रखा है कि खोज उत्कीर्ण अधिकारी पद हेतु प्रावधान नहीं लागू होगा और खोज उत्कीर्ण प्रति वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के पश्चात निर्धारित आवेदन ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति के अंतिम दिनांक तक प्राप्त करना होगा, यानी जो एक्सपीरियंस है वो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पहले करना होगा। और ग्रेड पे की बात करें तो ग्रेड पे एल जो आपके 14 है यानी 5400 ग्रेड पे और 4800 ग्रेड पे संग्रहालय अध्यक्ष की है। आयु सीमा के अगर यहां पर बात करें तो मैंने आयु सीमा आपको बता दी थी। ये तो हो गई मिनिमम जो बात थी, वो जो आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया यहां पर। उसके अलावा जो आपके चयन प्रक्रिया एग्जाम के माध्यम से होगा, एग्जाम नवंबर में करवाने का यहाँ पर दे रखा है लगभग, संभावित जो दिनांक आवेदन है 26 जुलाई से यहाँ पर चलेंगे और 25 अगस्त तक चलेंगे। और परीक्षा का स्थान, परीक्षा का माह नवंबर 2023 में आयोजित किए जाने की संभावना यहाँ पर व्यक्त की गई है। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें आपके सब्जेक्ट जो मतलब आपके जो एग्जाम होगा उसमें किस प्रकार आएगा, तो आपका क्यूरेटर फर्स्ट ये खोज उत्कीर्ण अधिकारी और क्यूरेटर दोनों पोस्ट के लिए दोस्तों फर्स्ट तो जीके 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स आएंगे और 110 क्वेश्चन है दोस्तों आपके सब्जेक्ट से संबंधित आएंगे। तो सब्जेक्ट जो सिलेबस अभी अपलोड हुआ नहीं है, जैसे ही सिलेबस अपलोड होगा मैं आपके सामने लेकर आ जाऊंगा। तो ये थी संग्रहालय अध्यक्ष की जो दोस्तों शैक्षणिक योग्यता क्या थी और इसकी भर्ती के बारे में। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।